नमस्कार, आज मैं आपको एक फिर नया सा अचार का रेसिपी बताने आई हूँ जो कि बिल्कुल इजी और तुरंत बनने लायक है। बस जैसे बना वैसे ही आप खाना भी शुरू कर दीजिएगा। तो इसके लिए मैं ली हूँ 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन और कुछ अदरक का पेस्ट, नमक और हल्दी और विनीगर, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगता है। इसके लिए मैं तेल को चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में गर्म होने के लिए। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं अदरक और जिंजर का पेस्ट डाल देती हूँ थोड़ा। देखिए अब मैं जो अदरक और गार्लिक का पेस्ट है उसे थोड़ा भून लिया, अब ये बिल्कुल भून के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालती हूँ नमक, लहसुन और हरी मिर्च। अच्छी तरह से मिला लूंगी। अच्छी तरह से भून जाएगा तब इसमें मैं थोड़ा सा 1 कप विनेगर डाल के इसे पकाऊंगी, जिससे इसमें खट्टापन आ जाएगा। बहुत इजी अचार है, मतलब आप देखिए घर में जब भी हरी मिर्च या लहसुन ऐसे पड़े रहता है उसका कोई यूज नहीं, तो आप सोचती हैं कि इसे क्या करूँ क्या बनाऊँ, तो आप इस तरह का अचार बना लिया कीजिए। इसे कम से कम 10-5 मिनट तक धीमे धीमे आग से पका लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि इसका जो कलर है ये तो काला पड़ जाएगा और देखने में इसका रंग थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। अब इसमें मैं 1 कप विनेगर डालती हूँ, विनेगर को इसमें अब्जॉर्ब कर लेने दीजिए जिससे इसका खट्टापन आ जाता है। अब इसे मैं 10 मिनट तक विनेगर में पका ली हूँ और विनेगर को एकदम बिल्कुल ये अब्जॉर्ब कर लिया है, और इसमें सरसों का जो पीले सरसों होते हैं उसके मैं 1-2 चम्मच इसमें डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। देखिए बस अचार तो बन के तैयार हो गया, बिल्कुल बहुत ही सिंपल अचार है और इसमें ज्यादा कुछ पड़ता भी नहीं है, सिर्फ लहसुन हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और विनेगर बस। इसलिए आप जरूर बनाइएगा और बना करके खाइएगा और बताइएगा कैसा लगा है, आपको जरूर पसंद आएगा। देखिए अचार बन के तैयार हो गया है, जब इंतजार कर रही हूँ ठंड होने का, जब अचार ठंड हो जाए तो इसे कांच के बुयाम में रख करके और कोई टाइट ढक्कन से बंद करके रख दीजिएगा, काफी दिन तक ये अचार चलता है और मैं बार बार आते रहूंगी और इस तरह के तरह तरह के इंस्टेंट अचार आपको बताते रहूंगी। थैंक यू।